नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर किशोर कटारा स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हो और पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए या होम्योपैथी से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे दिए गए व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज भी कर सकते हो या जो मेरा ईमेल दिया है उस पर मुझे मेल भी कर सकते हो। दोस्तों, आज हम माइग्रेन के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि माइग्रेन के क्या कारण हो सकते हैं, किन सिम्टम को हम माइग्रेन कहते हैं, या होम्योपैथी में किस प्रकार से हम माइग्रेन को ठीक करते हैं, या कौन सी ऐसी संभावित होम्योपैथी मेडिसिन है जिसका हम माइग्रेन के केस में यूज़ करते हैं। दोस्तों, माइग्रेन जो रहता है एक तरह का हेडेक होता है और कई बार लोग ऐसे रहते हैं कि इसे एक नॉर्मल हेडेक भी मान लेते हैं, लेकिन ये नॉर्मल हेडेक से कई प्रकार से अलग होता है। माइग्रेन के अपने कुछ पर्टिकुलर सिम्टम होते हैं जो उसको नॉर्मल हेडेक से अलग करता है, तो आज हम वही देखेंगे कि क्या क्या सिम्टम होते हैं माइग्रेन के और नॉर्मल हेडेक से ये किस प्रकार अलग होता है। दोस्तों, जो माइग्रेन होता है ये हमारे हेड में किसी पर्टिकुलर रीजंस पर ही होता है और मोस्टली ये देखा जाता है कि ये हमारे सर का आधा हिस्से को कवर करता है। हो सकता है कि वह राइट साइड हो या फिर लेफ्ट साइड हो। अगर आपको कभी एक साइड सर दर्द होता है या आपके बॉडी के एक साइड में आपको अगर हेडेक हो रहा है, या जो लेफ्ट भी हो सकता है, राइट भी हो सकता है, और जो दर्द है वो पीछे से आपकी आंखों तक आ रहा है और आपको चेहरे को भी कवर कर रहा है, तो ऐसे सिम्टम को हम माइग्रेन कह सकते हैं। ये जो सर दर्द होता है या कई बार बैक तक चले जाता है और आपकी गर्दन को भी कवर कर सकता है, या फिर आगे आपके आँखों के रीज़न को भी कवर कर सकता है, या आपका जो फेस है उसको भी कवर कर सकता है, तो ऐसे सिम्टम को हम माइग्रेन कहते हैं। इसके अलावा इसका दूसरा जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम होता है वो होता है पल्सेटिंग टाइप का पेन। अगर जो व्यक्ति माइग्रेन से सफ़र करते हैं उन्हें पता होगा कि उनमें एक चमक टाइप का पेन होता है, या जिसे हम कहते हैं कि पल्सेटिंग टाइप का पेन। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके जो आँख वाला रीज़न या जहाँ पर भी माइग्रेन का अटैक आया है उस रीज़न में एक पल्सेटिंग टाइप का पेन हो रहा है, एक चमक टाइप का पेन हो रहा है, उनकी नर्व में उनको एक प्रकार का कंप्रेशन फील होता है। अगर ऐसे सिम्टम होते हैं तो हम उसे माइग्रेन कहते हैं। इसके अलावा एक और जो सिम्टम होता है वो होता है नोज़िया। आपने कई बार देखा होगा कि जो माइग्रेन से सफ़र करने वाले लोग होते हैं उन्हें नोज़िया की समस्या होती है, हेडेक होता है, साथ में उनको नोज़िया की समस्या भी रहती है, और कई बार ये नोज़िया वॉमिटिंग में कन्वर्ट हो जाती है, उन्होंने वॉमिटिंग भी हो जाती है। इसके अलावा कई सिम्टम ऐसे होते हैं जिसमें पेशेंट की जो विज़न रहे वो ब्लर हो जाता है। अगर आपको माइग्रेन के कारण आपकी आंखें इफ़ेक्ट हो रही है, आपका जो आंखों वाला रीज़न है वो इफ़ेक्ट हो रहा है, वहाँ पर माइग्रेन का हेडेक है, तो आपके जो विज़न है वो ब्लर भी हो सकता है। इसके अलावा कई सारे लोगों में तो ऐसे देखने को मिलता है कि माइग्रेन के हेडेक में उनके जो हाथ पैर है वो एकदम नमनेस आ जाते हैं, थोड़े थोड़े से सुन्न हो जाते हैं। इसके अलावा कई सारे माइग्रेन के पेशेंट में गैस्ट्रिक कंप्लेन भी चालू हो जाती है, तो ऐसे कई सारे सिम्टम हमको माइग्रेन में दिखते हैं जो कि आपको नॉर्मल हेडेक से डिफरेंट होते हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि जो माइग्रेन होता है वो कई मामलों में हमारे नॉर्मल हेडेक से अलग होता है। दोस्तों, किन किन रीज़न से हो सकता है इसके बारे में हम जानते हैं। दोस्तों, जो माइग्रेन का एक पर्टिकुलर या बहुत ही ज़्यादा जो रीज़न्स है जिस जो कि कोज हुए वो होता है वेदर। कई बार आपने देखा होगा कि सडन वेदर चेंज हो जाता है, सडन धूप निकल जाती है, थोड़े टाइम बाद बारिश हो जाती है, या कुछ टाइम बाद में बादल हो जाते हैं, तो इस प्रकार के वेदर में बहुत ज़्यादा माइग्रेन के केसेस देखने को मिलते हैं। जब या कोई ऐसा व्यक्ति है जब बहुत सडन एकदम से धूप में निकल गया हो, उसके बाद में वो घर में आ गया हो, एसी में बैठ गया हो, या फिर उसने कूलर चालू कर लिया हो, तो सडन जो उसके वेदर चेंज हुआ है या जो क्लाइमेट चेंज हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में भी माइग्रेन के जो एकदम ट्रिगर फैक्टर के रूप में हम देख सकते हैं। इसके अलावा दूसरा जो रीजंस हो सकता है वो होता है नॉइज़। अगर कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है आवाज़ को लेकर, उसको बहुत ज़्यादा जो नॉइज़ है या बहुत ज़्यादा वॉइस है वो उसे पसंद नहीं है और उसे सर दर्द के लिए ट्रिगर करती है या माइग्रेन के लिए ट्रिगर करती है, तो ये फैक्टर भी एक माइग्रेन के लिए हो सकता है।
इसके अलावा कई बार जेनेटिक्स फैक्टर भी देखने को मिलते हैं। अगर आपके फैमिली में हिस्ट्री रही है माइग्रेन की, आपके फादर को, आपकी मदर को, या फिर फैमिली में से कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कि माइग्रेन से सफ़र कर रहा हो, तो ऐसे मामले में भी हम माइग्रेन को देख सकते हैं। तो ऐसे कई सारे और भी रीज़न्स हो सकते हैं। कोई व्यक्ति ऐसे हो जाते हैं जो कि कॉफ़ी पीने के बाद में, या फिर चॉकलेट खाने के बाद में, या शराब का सेवन करने के बाद में भी उनमें माइग्रेन के सिम्टम देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये जो व्यक्ति रहते हैं ये इन चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो अगर ये चीज़ उनके लाइफ में आती है या इन चीज़ों में वो इन्वॉल्व होते हैं, तो तुरंत ही उन्हें माइग्रेन का अटैक आ सकता है। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स भी हम देखें जो कि माइग्रेन को ट्रिगर करते हैं। इसके अलावा हम देखेंगे कि होम्योपैथी में कौन कौन सी ऐसी मेडिसिन है जो कि माइग्रेन के लिए यूज़ की जाती है। होम्योपैथी में कई सारी मेडिसिन है जो माइग्रेन के लिए यूज़ की जाती है, और सिम्टम के बेस पर हम इन मेडिसिन का यूज़ करते हैं। इसमें सबसे एक मोस्ट कॉमन मेडिसिन है, वो है बेलाडोना। अगर आप धूप में जा रहे हैं या फिर सडन ठंडी जगह पर जा रहे हैं, और उसके बाद में अगर आपका सर दर्द होने लगा, माइग्रेन वाला सर दर्द होने लगा है, तो ऐसी कंडीशन में आप जो है बेलाडोना का यूज़ कर सकते हैं। अगर बेलाडोना का आप यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें आप ध्यान रखें कि उसमें कंजेशन होता है, एक पल्सेटिंग टाइप का पेन होता है। इसके अलावा जो दूसरी मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका। नक्स वोमिका भी माइग्रेन के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। अगर गैस्ट्रिक कंप्लेन के साथ में अगर आपको माइग्रेन का हेडेक है, तो ऐसी कंडीशन में आप नक्स वोमिका का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको माइग्रेन के हेडेक के साथ में नोज़िया हो रहा है, या साथ में फिर पेट दर्द हो रहा है, या स्टमक पेन हो रहा है, या फिर वोमिटिंग जैसा लग रहा है, तब आप नक्स वोमिका का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर धूप में निकलने पर माइग्रेन हो रहा है, तो आप बेलाडोना का यूज़ कर सकते हैं। अगर गैस्ट्रिक कंप्लेन के साथ में अगर माइग्रेन ट्रिगर कर रहा है, तो आप फिर नक्स वोमिका का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बहुत अच्छी मेडिसिन है, वो है सेंगुनेरिया। अगर आपको बाई और पेन हो रहा है, बाई और का माइग्रेन हो रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप सेंगुनेरिया मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। सेंगुनेरिया मेडिसिन का यूज़ तब भी किया जाता है जब मेंसेस के बाद में किसी को माइग्रेन ट्रिगर करता है। तो ऐसी महिलाएं जिनको कि पीरियड के बाद में माइग्रेन का ट्रिगर करता है या माइग्रेन का हेडेक होता है, तो ऐसे व्यक्ति सेंगुनेरिया का यूज़ भी कर सकते हैं। इसके अलावा ब्रोनिया या स्पेंजेलिया जैसी कुछ मेडिसिन्स है जो कि माइग्रेन के लिए यूज़ की जाती है, और भी नेट्रम्यूर या इसके अलावा भी कई सारी मेडिसिन है जिसका यूज़ हम इन चीज़ों को सिम्टम के बेस पर, या जो आपके जो सिम्टम बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, या जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, उस बेस पर हम इन होम्योपैथी मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा कई सारे ट्रिगर्स फैक्टर होते हैं जो कि आप अगर इनको ठीक नहीं करोगे, तो आप जो मेडिसिन यूज़ कर रहे हो वो कोई फ़ायदा नहीं करेगा। अगर आप माइग्रेन से सफ़र करते हैं, आपको अगर शराब के सेवन से माइग्रेन होता है, या कॉफ़ी पीने से होता है, या बहुत ज़्यादा नॉइस से आपको माइग्रेन होता है, या फिर अगर धूप में निकलने से आपको माइग्रेन होता है, तो आप कोशिश करें कि इन चीज़ों को अवॉइड करो। अगर आप इन चीज़ों को अवॉइड नहीं करोगे, आपकी जो डेली रूटीन की लाइफ में ये चीज़ें बार बार आ रही है, तो आपको माइग्रेन होगा भले से ही आप कोई सी भी मेडिसिन यूज़ करें। इसलिए आप कोशिश करें कि इन जो एग्जाइटिंग कॉज है, जो ये फैक्टर्स है, उनको अपनी लाइफ से रिमूव करें, या उनसे कोशिश करें कि उन चीज़ों से थोड़ा सा दूर रहे। इसके अलावा योगा करें, मेडिटेशन करें, और कई बार देखने को मिलता है कि पानी की कमी के कारण भी सर दर्द होने लगता है। इसलिए आप कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए और अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें। ये सब चीज़ों को आप फॉलो करने के बाद में अगर आप माइग्रेन से सफ़र कर रहे हो, तो ठीक हो सकते हैं। एक बार अगर आप माइग्रेन से सफ़र कर रहे हो, तो होम्योपैथी मेडिसिन अवश्य लीजिए। ये आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देगा और आपके जो माइग्रेन की समस्या है उसको हमेशा के लिए भी ठीक कर सकता है। धन्यवाद।